संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है। एकनाथ शिंदे के पक्ष में कुल 164 विधायकों के वोट पड़े, जबकि विरोध में 99 विधायकों ने मत दिया। शिंदे सरकार का समर्थन करने वाले 164 विधायकों में से 106 बीजेपी के हैं, जबकि शिंदे गुट को शिवसेना के 39 विधायकों का समर्थन मिल गया और शेतकरी कामगार संघ के एक विधायक ने भी शिंदे सरकार का साथ दिया। उद्धव गुट के लिए ये करारा झटका रहा। सबसे ज्यादा चर्चा रही कलमुनरी से शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ की, जिन्होंने पलटी मारते हुए शिंदे सरकार का समर्थन किया। कल तक वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट का हिस्सा थे। अभी हाल तक वो शिंदे गुट को पानी पी पी कर कोस रहे थे, उन्हें गद्दार बता रहे थे। संतोष बांगड़ ने हाल ही में खुद ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो रोते हुए नजर आए थे, बागी विधायकों से लौटने की गुहार लगा रहे थे, उद्धव ठाकरे के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे थे। उतरला गेला नाही म्हणून माझ्या सर्व बांधवांना विनंती आहे की पुन्हा तुम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांकडे तुम्ही या। संमत की तुम्हाला साहेब माफ केल्याशिवाय राहणार नाही। यहाँ तक कि रविवार को स्पीकर के चुनाव में भी उन्होंने उद्धव गुट का ही समर्थन किया था, लेकिन सोमवार को फ्लोर टेस्ट के दौरान वो पलट गए। माना जा रहा है कि उद्धव गुट के विधायकों पर सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है और इसी डर से बांगड़ ने अपनी निष्ठा बदल दी। विपक्षी बेंच पर बैठे विधायकों ने उनकी जमकर हूटिंग की। बहुमत परीक्षण के लिए अघाड़ी गठबंधन की रणनीति कितनी ढीली रही, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि विधानसभा में वोटिंग के दौरान 8 विधायक गैर हाजिर रहे। इनमें कांग्रेस के 5, समाजवादी पार्टी के 2 और 1 विधायक AIMIM का था। गैर हाजिर रहे कांग्रेस के 5 विधायकों में एक बड़ा नाम था अशोक चौहान। इसके अलावा विजय वड्डेटीवार, प्रणति शिंदे, जीशान सिद्दीकी और धीरज विलासराव देशमुख। इस तरह अघाड़ी के पक्ष में सिर्फ 99 वोट ही पड़े। बहरहाल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही वो भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। फडणवीस ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं फिर से आऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं आ गया हूँ और इनको यानी एकनाथ शिंदे को भी साथ लेकर आया हूँ। महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईन। त्याच्यावर माझी खूप टिंगलटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो। आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार। आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं। राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात, हरेक का मौका आता। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।